चाबी ऑन करी ना, डिस्प्ले नहीं आ रहा। पेटीएम ले जा। अरे यार इसमें क्या दिक्कत आ गई। अभी जा रहे हैं लद्दाख पे, पता लग जाएंगे और बढ़िया से। आर्मर तैयार करिए लड़के ने, है ना। वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज है संडे और मैं आया हूँ संडे राइड पे। बहुत दिनों बाद आया हूँ संडे राइड पे, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने बाद। और मैं आया हूँ द बाइकर्स बान गुड़गांव, और यहाँ पे ये कुछ बाइक्स हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और भाई पोस्टर तो बहुत ही बढ़िया भाई, ये पूरा जो भी बनाया है ना बढ़िया लग रहा है यार। अभी हम भी मुश्किल से भाई एक हफ्ते बाद ना ऐसे ही टेरेन में होंगे जैसा ये दिख रहा है। फ्लैशबैक। वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों आज है संडे और बहुत दिनों बाद भाई, बहुत ही दिनों बाद मैं जा रहा हूँ संडे राइड पे, और बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी है बिकॉज अपने सारे गेयर्स नए हैं A to Z नीचे से लेके ऊपर तक, तो उनको पहन के निकला हूँ। और इस संडे राइड पे जाने का ना भाई एक मोटिव ये था कि जितने भी गेयर्स मैंने लिए हैं ना अपनी लेह लद्दाख राइड के लिए, भाई उनको ना पहन के एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का कंफर्ट ओवरऑल राइड पे रहने वाला है। तो ये एक अच्छी बात रहेगी अपने साथ जो कि इस संडे पे हो जाएगा आज। तो वैसे ही भाई ऑलरेडी आधा घंटा लेट हूँ, तो बिना किसी देरी के भाई फटाफट चलते हैं सीधा और भाई लोग से मिलेंगे फटाफट, और उसके बाद वहाँ से अपनी राइड को करेंगे आगे कंटिन्यू। और दोस्तों आज ना मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि ना करण भाई की कॉल आ रखी है, और वो मिस कॉल में मैंने बदल दी थी बिकॉज़ मैं सो चुका था भाई। आप ये देखो रात को जगने का नतीजा क्या होता है कि भाई हम ना सुबह टाइमली उठ नहीं पाते, और जो लोग भाई रात को टाइम से सो जाते हैं ना वो सुबह जल्दी अच्छे से उठ जाते हैं। मुझे नहीं पता भाई, मैंने कुछ नहीं करा, भाई ने मुझे फोन किया, मैंने नहीं पिक करा था, फिर उसके बाद मैंने पूछा कि मेरे को 20 मिनट लगेंगे। ये वॉलेट भूल गए? ये वाले बढ़िया बढ़िया। अभी जा रहे हैं लद्दाख पे, पता लग जाएंगे और बढ़िया से। आर्मर तैयार करिए लड़के ने, है ना। कर दी भाई तैयार। सितंबर गलत नहीं हो गया थोड़ा सा भाई? गाड़ी में जाना मेरे को। अरे फिर तो बेस्ट है भाई। छह भाई के जा रही है, एक गाड़ी जा रही है। तो दोस्तों चल रहे हैं अब हम, और ये देखो यहाँ पे भाई अलग ही रेस लगी हुई है इनकी, और ये हमारे सेतु भैया स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ भाई। इसका इंजन काटना बहुत बढ़िया लगा मुझे, और नीचे प्रोटेक्शन देखो यार कितनी अच्छी कर रखी है ना, प्रॉपर अच्छे से सम गार्ड लगा रखा है। अब उसे सम गार्ड बोलते हैं या इंजन वैली प्लेट बोलते हैं जो भी है, पर वो सही है भाई, सही जगह लगाइए एकदम।
सुबह खींचने का भाई बाइक को ना मजा ही अलग है। गर्मी नहीं होती सबसे बड़ी बात, तो बंदा ना एग्जॉस्ट ही नहीं होता, और संडे होता तो भाई एंजॉयमेंट भी पूरी करता है। वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे, पहुंच गए भाई हम आगरा एक्सप्रेसवे, लगभग लगभग ऑलमोस्ट। ये गई शिक्षा, देख रहे भाई, देख रहे हो विनोद, ये भागे हमारे विनोद भैया। देख रहे हो विनोद, सारे के सारे सिंगल सिलेंडर भाई, पावरफुल तो बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा पावरफुल है कि मतलब आप मानोगे नहीं। लो भाई पहुंच गए गली आरे में, और हमारी डेस्टिनेशन भी यही है ऐसा लग रहा है भाई। ओ भैया विनोद, तो दोस्तों हमारी जो डेस्टिनेशन है, एक तो सामने का भाई पोस्टर देखो, एक नंबर भाई, बढ़िया मजा आ गया। तो दोस्तों हम लोग आए हैं द बाइकर्स बार, भूसा भूसा एक और है, भूसा एक और है, भूसा एक और है, भूसा। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, अरे यार इसमें क्या दिक्कत आ गई। मुझे लग रहा है बैटरी के टर्मिनल ना लूज हो गए, बाइक की चाबी ऑन करने पे उठा नहीं रही। ओ बैटरी टर्मिनल लूज हो गए हैं, चाबी ऑन करी ना डिस्प्ले नहीं आ रहा। KTM ले जाओ, KTM नहीं, वो बैटरी टर्मिनल टाइट करने पड़ेंगे। तो भाई आज हो गया था सीन,
बच्चा मार रहा है थप्पड़ या दे रहा है हाई फाइव, पर कोई नहीं यार बच्चा है। तो दोस्तों सीन आप लोग ने देख ही लिया होगा, हुआ क्या कि भाई हमारे बैटरी के टर्मिनल्स डेड हो गए भाई डेड, उन पे कार्बन जम चुका था और बाइकर्स बान पे ना भाई बारबेक्यू बन चुका था भाई। हवा भाई हवा, इस गर्मी में हवा लगी तो ऐसा लगा भाई कुछ सुकून है अभी भी बाकी, घर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल आज का पूरा सीन आपको बताता हूँ। सुबह पहले तो फ़ोन आया, और जब फ़ोन आया था तो भाई आँख नहीं खुली, सोते रह गए, थकावट इतनी ज़्यादा लग रही थी, मतलब कुछ भी कह लो आँख नहीं खुली। फिर लगभग उसके 30-40 मिनट बाद भाई आँख खुली तो मैंने फ़ोन करा, तो भाई ने बोला चल कोई नहीं तू फटाफट तैयार हो और आ जा। तो भाई फटाफट हम फिर अपने घर से पहुँचे धौलक कुआँ, और धौलक कुआँ पहुँचते ही सभी भाई लोग से मिले थे, और उसके बाद वहाँ से हम गए थे डायरेक्टली बाइकर्स बार। वहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया खाना खाया, मज़ा आया, ओवरऑल खूब एंजॉय करा, एक अच्छा एम्बियंस था और अच्छी जगह है। जो लोग दिल्ली गुड़गांव या फिर इसी रीजन में रहते हैं ना, उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि एक बार जाओ देख के आओ। और सबसे ज़रूरी बात कि भाई बाइक्स को ना प्रॉपरली आप खड़ा कर सकते हो, पार्क कर सकते हो। और दोस्तों जैसे ही हम वहाँ से निकल रहे थे ना, मेरी बाइक में मैंने चाबी लगाई और जैसे ही ऑन करी ना भाई, डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा, डिस्प्ले ब्लैंक। अब ऐसा मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ था ना, तो मुझे डायरेक्टली आइडिया हो गया था कि भाई इसके बैटरी टर्मिनल्स में प्रॉब्लम है, वो थोड़े लूज़ हो गए होंगे। और भाई जैसी चाबी डाली, बाइक को ऑन किया, डिस्प्ले नहीं आई, मैं समझ गया था भाई वही सीन है। तो भाई फटाफट फिर बैटरी के टर्मिनल्स को टाइट करा। और तो दोस्तों इस संडे राइड पे आने का एक ही रीज़न था, और वो ये था कि भाई बहुत दिनों तक ना हम अपनी इस बाइक को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं अपनी बाकी सारी वीडियोस में बता ही चुका हूँ कि भाई मैं लेह लद्दाख के ट्रिप की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई उतने दिन हम अपनी R15 चलाएंगे, तो भाई इस बाइक को बस घर में खड़े रहना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो मेरे को लगा एक आखिरी बार इसको चला लेते हैं, जिससे कि ना हमें ट्रस्ट रहेगा कि जब तक आएंगे तो भाई बैटरी का कोई इशू नहीं होगा और कुछ इसके किलोमीटर्स भी कवर हो जाएंगे। बिकॉज जैसे ही मैं अपने ट्रिप से वापस आऊँगा ना, अपनी राइड से वापस आऊँगा, तो भाई इसकी सर्विस ड्यू हो जाएगी, इसका सर्विस का जो रिमाइंडर है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा भाई। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपने भी ये संडे राइड को मेरे साथ एंजॉय किया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं भाई, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।